गाइस, आई एम गोइंग टू कश्मीर. सो राइट बिहाइंड मी इज द नाशरी टनल, द लॉन्गेस्ट मोटरेबल टनल इन इंडिया. श्रीनगर से पहले हम पहलगाम आ गए हैं. बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग यहाँ हुई है. बजरंगी भाईजान, बहुत पुरानी मूवी रोटी, जब तक है जान. Now I'm doing the first most touristic thing, pony ride in Delhi. मतलब दिल कर रहा है कि हर एक मोमेंट को रिकॉर्ड करूं. Guys, I am going to Kashmir, but for that I am going to Jammu in this train called Vande Bharat Express. Amazing train hai. 6 hours 30 minutes mein Jammu pahunchayegi. So I have booked an AC chair car. These are what washrooms are like. Saaf hai, kafi saaf hai actually. A few moments later. So this train runs at a very fast speed. Abhi thodi der pehle speed thi 130 km per hour. And now we have reached Ludhiana. The doors are automatic. The engine is very different from the normal train engine. So I'm quite excited to be in this train. So ye train sirf 1 minute rukti hai Ludhiana mein, lekin fir bhi hume mil gayi chole kulche. तो आजकल कोविड की वजह से ट्रेन में खाना, मतलब वो जो ऑलरेडी मिलता था वैसा नहीं मिलता है, ना ब्लैंकेट्स मिलते हैं, लेकिन आप खरीद के खाना खा सकते हो. एंड इंडियन रेलवेज में कप्पा नूडल्स हमेशा मैं खाती हूँ. सो आई हैव रीच्ड जम्मू तवी बैंक ऑन टाइम. सो दिस इज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, one of its kind in Indian Railways. So I am here at Jammu Tawi Railway Station, and अगर आप COVID negative testing करा के नहीं आए हैं तो यहीं पर station पर आपका COVID negative, मतलब COVID test होगा. और मैं क्योंकि करा के आई थी तो they just had put a stamp on me saying I am tested COVID negative. तो अभी के लिए जो है COVID 19 tested negative होने चाहिए आप to come to Jammu और Kashmir. आगे अगर आप ये व्लॉग कुछ महीने बाद देख रहे हैं तो क्या गाइडलाइंस हैं, प्लीज़ वेबसाइट पे आप चेक कर लें. तो हम जाने वाले हैं जम्मू से श्रीनगर, लेकिन अगर जम्मू आए हैं और राजमा चावल नहीं खाए तो क्या जम्मू आए. तो हम यहाँ शर्मा जी के यहाँ राजमा चावल खाने आए हैं. एग्जीबिशन ग्राउंड के पास ये छोटी सी शॉप है और मुझे यहाँ के लोकल बंदे ने बताया कि अमेजिंग राजमा चावल यहाँ मिलते हैं. देसी घी के साथ फुल प्लेट राजमा चावल 90 rupees. राजमा चावल विद पनीर एंड अनारदाने की चटनी विद देसी घी, मस्ट ट्राई. 2 hours later. तो गाइस, जम्मू में मैं आई हूँ सर्किट हाउस, जहाँ सिर्फ VIPs आते हैं, यहाँ के एक बहुत ही बढ़िया लोकल फ्रेंड के साथ. एंड सर्किट हाउस में हम चाय पीने वाले हैं. वैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं दिल्ली से श्रीनगर फ़्लाइट से भी तो जा सकती थी, तो जम्मू आके क्यों जा रही हूँ. बिकॉज नंबर वन, मुझे वंदे भारत ट्रेन एक्सपीरियंस करनी थी. नंबर टू, मैं देखना चाहती हूँ जम्मू से श्रीनगर का रोड ट्रिप कैसा होगा. वापस भी तो जा सकते हैं फ़्लाइट से. और एक ज़रूरी बात, आप सबको बताया आई एम ऑन दिस ट्रिप फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना थोड़ा सा, यू नो, एंड में आते आते दिल करता है ना कि जल्दी ख़त्म ना हो, थोड़ा सा लंबा कर दें इस ट्रिप को. So we are going from Jammu to Srinagar in Alto 800. Look at this. So I am on my way to Srinagar और हम जा रहे हैं Alto, कौन सी वाली Alto? Alto 800 VXI में, और हमें लेके जा रहे हैं the captain of the ship, Mr. Dennis. Hey! तो फ्रेंड्स, पहला टोल आ चुका है. ये है बन टोल प्लाज़ा. एंड
एंड अराउंड 140 यहाँ का टोल है अगर आपके पास फास्ट टैग है तो, अगर फास्ट टैग नहीं है तो 280। कटरा इज़ वन प्लेस जहाँ पे माता वैष्णो का मंदिर है, वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स इन इंडिया। अभी तो COVID-19 के चलते बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक टाइम था जब आप जब भी नवरात्रों के टाइम पे माता वैष्णो आएंगे बहुत ज़्यादा जो है आपको रश वहाँ पर मिलेगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रॉस द लॉन्गेस्ट मोटरेबल टनल, नशी टनल। लेट्स सी कैसा है ये टनल। तो नाश्री टनल से पहले आता है एक टोल विच इज ऑफ 70 rupees। दिस इज आवर सेकंड टोल ऑन दिस रूट। सो राइट बिहाइंड मी इज द नाश्री टनल, द लॉन्गेस्ट मोटरेबल टनल इन इंडिया। लेट्स सी हाउ इज द टनल। So guys, one of the biggest disadvantage of a road trip is that you can really, really get late. Why? Because of traffic jam. So हम लोग 2 घंटे से traffic jam में फंसे थे और अब थोड़ा थोड़ा चले हैं. So I guess everything has its pros and cons. Winters में दो दिन क्यों लग जाते हैं इस road पे? मतलब क्योंकि बर्फ वगैरह पड़ जाती है, snow accumulation हो जाती है, तो स्नो क्लियरेंस में टाइम लग जाता है। प्लस जो लैंडस्लाइड्स होती हैं वो आ जाती हैं, तो नीचे वाला जैसे ही क्लियर करती हूँ ऊपर से लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं। तो दोस्तों जनरली हम गोल्डन आवर ऑफ सनसेट को रिकॉर्ड करते हैं ब्यूटीफुल वीडियोस में। अभी भी सनसेट हो रहा है, अभी भी गोल्डन आ रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा रोड ख़राब है फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर, इतनी धूल है कि मैं खिड़की नीचे करके, मतलब हिम्मत भी नहीं हो रही मेरी कि मैं खिड़की नीचे करूँ। 3 hours इन ट्रैफिक जैम, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक in this trip. कन्याकुमारी से अब मैं पहुंच चुकी हूँ कश्मीर रात के 11 बजे। वी हैव रीच्ड नोवेयर। हम लोग अभी श्रीनगर से अभी भी 100 किलोमीटर दूर है। अनंतनाग में हमें रुकना पड़ेगा रात को, फिर सुबह श्रीनगर जाएंगे। बुरा हाल हो गया ट्रैफिक में फंसे फंसे। The next day. Good morning. तो कल रात को क्या हुआ? पहली बात तो कल हम निकले जम्मू से श्रीनगर और 3 बजे के निकले हुए, रात के 10 बजे, मतलब 10 भी नहीं, शायद 11 बजे हम पहुँचे अनंतनाग, क्योंकि श्रीनगर में 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लग जाता है ड्यू टू कोविड, तो हमें अनंतनाग में स्टे करना पड़ा। और अब हम निकल रहे हैं फिर से श्रीनगर के लिए। अच्छा, अनंतनाग में मैंने ये आरके होटल जो मेरे पीछे वहाँ स्टे किया था, बट ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब आप आएंगे जम्मू से श्रीनगर अगर रोड से आ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जल्दी निकलें और टाइम पे पहुँचें श्रीनगर बिफोर 10। और वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि बेस्ट यही होता कि दिल्ली से श्रीनगर की फ़्लाइट ले ली जाती, लेकिन फिर अगर ऐसा करते तो वो लॉन्गेस्ट टनल कैसे देखते, यू नो, हर चीज़ का एक अलग एक्सपीरियंस है। आई थिंक गलतियाँ करके ही ट्रैवलर सीखता है। और मेरी बिगेस्ट मिस्टेक इस ट्रिप में पहले, मतलब ट्रिप शुरू होते ही हो गई, कि मैं दिल्ली से फ़्लाइट लेकर श्रीनगर आ सकती थी, 3,500 की फ़्लाइट थी, बल्कि मैं जम्मू से श्रीनगर जा रही हूँ। मतलब गाड़ी में तकरीबन 5,500 रुपये लगेंगे और ट्रेन में भी 1,100 लगे, तो वो सेम ही पड़ जाता। सो इट्स ओके, आई विल लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स स्लोली एंड कीप सजेस्टिंग गुड थिंग्स फॉर यू गाइज। दिस इज़ अनंतनाग। सो गाइज, चेंज ऑफ प्लान वंस अगेन। हम श्रीनगर जाने से पहले पहलगाम जा रहे हैं, जो श्रीनगर जाने से पहले आएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड नाउ यू जस्ट पुट योर ईयरफोन्स एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू दैट आई एम गोना शो यू। ये जितना भी आगे का वीडियो आप देखेंगे, इतनी ब्यूटी आपको नजर आने वाली है कि शायद आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज अ स्ट्रेस बस्टिंग वीडियो। हेलो सोनेओ मखणेओ, एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि जब आप किसी ट्रिप पे निकलते हैं जो सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट होता है ट्रिप का, वो होता है खाना। तो अब हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अनंतनाग से पहलगाम जा रहे हैं, अनंतनाग के पास ही ये जगह है जहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए हम रुके हैं, एवरग्रीन रिजॉर्ट्स। और एक बार देख लो कि मैं किस व्यू में ब्रेकफास्ट खाने वाली हूँ। जस्ट टेक अ लुक, ये होने वाला है मेरे ब्रेकफास्ट खाने का व्यू।
और इसी के बाजू में ये विलेज आर्ट्स वाली शॉप है। तो गाइस एक पक्के पंजाबी की तरह मैंने ऑर्डर किया है आलू पराठा एंड गोभी पराठा।